हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है मेजर इकोनॉमिक सेमेस्टर टू का VVI क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया था, ठीक है, और आप लोगों का सिलेबस का क्वेश्चन बता दिया था कि किस प्रकार से सिलेबस में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें। इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा डिस्कस द लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधन। ठीक है, यहाँ पे संसाधन का नाम आया, तो आखिर संसाधन क्या होता है? संसाधन अगर हम जानेंगे तब ना इन लोगों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा संसाधन के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, अगर संसाधन का मतलब हम लोग आसान भाषा में समझना चाहें, ठीक है, तो संसाधन का मतलब वही चीज है जो चीज हम लोग अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। अगर मान लीजिए पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी संसाधन हो गया। तो मीन्स अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजों का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। वो आपका डेफिनेशन के साथ में आपको बता दिया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया संसाधन, बताया गया कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, देखिए संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है ना मनुष्य अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए करता है, अपने इच्छा के पूर्ति के लिए करता है। कौन करता है? मनुष्य करता है। उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, या तो फिर हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं इसको कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। मीन्स हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज उपलब्ध है, ठीक है, और जो चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार से, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए संसाधन, अब संसाधन की बात करें, संसाधन बहुत तरह का होता है। नवीकरणीय योग संसाधन होता है, नवीकरणीय योग संसाधन होता है, तो वो सब हम लोगों को ध्यान नहीं देना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पे हम लोग को जाना है। क्वेश्चन हम लोग को पूछा था दोस्तों कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करें। सबसे पहले हम लोग भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे, वन संसाधन के बारे में जानेंगे, और फिर जल संसाधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपका डेफिनेशन खत्म हो गया कि संसाधन किसको कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिये यहाँ पे आगे बताया गया आपको कि भारत में, भारत की भूमि, वन एवं जल संसाधन। ठीक है, भारत की भूमि, वन और जल संसाधन, यहां बताया गया क्या कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की विस्तार पूर्वक व्याख्या निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे जो है क्या किया गया, भूमि का, वन का और जल संसाधन का जो कि भारत में उपलब्ध है उसका व्याख्या जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, विस्तार पूर्वक किया गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग भूमि के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? भूमि के बारे में, कि भूमि संसाधन क्या है और ये भारत में किस प्रकार से उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूमि संसाधन के बारे में, भारत का भूमि संसाधन के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो ना विशेष रूप से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आ जाए, विस्तार से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट में क्या बताया गया कि भारत की प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की संसाधन की बात करें तो भूमि जो है ना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किसका? प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ मनुष्य एवं अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं पृथ्वी पे जो है, भूमि पे जो है ना, अनेक प्रकार के जीव जंतु, उसके साथ साथ मनुष्य यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, कृषि भी भूमि पर ही होती है, और कृषि की बात करें अगर जिससे हम लोग जीवित रहते हैं वो भी कहाँ होता है? भूमि पे ही होता है। ठीक है, उसके साथ साथ सड़क, रेल, जलाशय व नदी आदि संसाधन भी भूमि पे ही उपलब्ध है। अगर हम लोग बात करें सड़कें की, रेल मार्ग की, जलाशयों की और वह नदियों की, ठीक है, ये भी कहाँ उपलब्ध है? भूमि पे ही उपलब्ध है। ये सब संसाधन है ना, तो ये सब संसाधन कहाँ है? भूमि पे ही है। ठीक है, इसलिए भूमि जो है हमारे लिए क्या है? नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? कौन सी? भूमि। अब देखिए इसके आगे अगर बात करें दोस्तों कि भारत, देखिए अगला पॉइंट बताएगा कि भारत में भूमि का क्षेत्रफल, अगर भारत में भूमि का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ना ये भूमि है, कहां पे भारत में भूमि उपलब्ध है, ठीक है, जिस पर भारत का 121.02 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। बात करें अगर भूमि का, भूमि कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूमि है, ठीक है, और जनसंख्या कितना है यहाँ पे, तो 121.02 करोड़ जो है ना यहाँ पे जनसंख्या उपलब्ध है, कहाँ पे भारत में, हो सकता है ये बढ़ते घटते रहती है, ठीक है। अगर बात करें भारत के पास विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.4% क्षेत्र है, ठीक है, अब बात करें विश्व के पूरे क्षेत्रफल का, तो भारत के पास जो है ना विश्व, पूरे विश्व का जो है ना 2.4% ही क्षेत्र प्राप्त है, किसको, भारत को, ठीक है, जिस पर विश्व जनसंख्या की 70.5% जनसंख्या निवास करती है, जिस पर जो है ना विश्व जनसंख्या का, मतलब विश्व की बात करें, पूरा विश्व का जो है ना 17.5% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है, कहाँ करती है दोस्तों, भारत में निवास करती है, ठीक है। यहां तक आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरा पॉइंट की तरफ, देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया है। अब देखिए अगर इसके तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़े तो इसका तीसरा पॉइंट बताया गया कि भारत का स्थान भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां है। अगर भारत का स्थान हम लोग जाएंगे जानेंगे भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व में सातवां स्थान पे है, कौन, भारत, ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो वो क्या है, पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या उपलब्ध है, कहां पे, भारत में, ठीक है। फिर देखिए उसके अगला पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि इस प्रकार भारत में 306.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से केवल 141.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जा रही है, ठीक है। अगर इस प्रकार बात करें भारत में जो ना भूमि कितना उपलब्ध है कृषि के लिए, 306.1, ठीक है, इतना भूमि उपलब्ध है, लेकिन कितना होता है 141.2 ही जो है ना यहाँ पे खेती होती है, ठीक है। अतः भारत में 46% भूमि पर ही खेती होती है, मतलब 100% में जो है ना 46% ही भूमि पर क्या होती है, खेती होती है, ठीक है, और शेष भूमि पे अन्य संसाधन उपलब्ध है। अन्य संसाधन कहने का मतलब है जैसे पानी हो गया, वन हो गया, ठीक है, हर एक चीज तरह का, मतलब अलग अलग संसाधन यहाँ पे मौजूद है अन्य क्षेत्रों में, ठीक है। यहां तक पूरे में हम लोग भूमि के बारे में जान गए कि भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर हम लोग की बात हो, ठीक है, तो हम लोग रहते भी कहां है, भूमि पे ही रहते हैं, ठीक है। अगर भूमि नहीं रहता तो हम लोग रह पाते हैं क्या, नहीं रह पाते हैं। तो भूमि जो है हमारे लिए, ठीक है, नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब क्या जानते हैं ना, महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये भारत के लिए क्या, भारत के संसाधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा, भूमि, ठीक है। तो भूमि के बारे में हम लोग डिटेल से जान गए, चलिए अब हम लोग जानते हैं वन क्षेत्र के बारे में, वन संसाधन के बारे में, भारत के वन संसाधन के बारे में, ठीक है। अब देखिए वहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, दूसरा संसाधन क्या था, वन संसाधन, ठीक है, क्या था, वन संसाधन, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं अगर वन संसाधन का, तो वन भी जो है ना हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्यों है, ठीक है, मान लीजिए अगर वन नहीं रहता, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रहते तो क्या हम लोग ऑक्सीजन ले पाते, नहीं ले पाते, क्या हमारा वातावरण ठंडा हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये क्या हो जाता, पूरा पृथ्वी जो है वैश्विक तपन से जो है ना खत्म हो जाता, ठीक है। तो यहां बताया गया वन संसाधन के बारे में, देखिए इसमें भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि वन संसाधन एक मूल्य संसाधन है, मूल्यवान संसाधन है, ठीक है, कौन सा, वन संसाधन, जो भोजन, आश्रय, वन जीवन, आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री और कागज प्रदान करता है, ठीक है। जो हम लोगों को क्या क्या देता है, तो भोजन देता है, आश्रय मतलब ठहरने का जगह देता है, वन्य जीवन, वन्य के जीव जंतुओं को क्या देता है, ठहरने का जगह देता है, आवास, घर हम लोग को देता है, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी देता है, और कई प्रकार के औषधियां भी देती है, दवाइयां भी देती है, जड़ी बूटी से बना हुआ दवाइयां भी हम लोग को उपलब्ध कराता है, कौन, वन, ठीक है। बताया गया है कि वन पृथ्वी को CO2 आपूर्ति और हर चीज को संतुलित रखने का कार्य करती है। अब वन क्या करता है कि पृथ्वी को जो है ना CO2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे CO2 लिखा हुआ, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना, जब मात्रा उसकी जब फैलती है ना, तो उसको क्या करता है, वो संतुलित रखने का प्रयास करता है, ठीक है, और हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन देने का, हम लोग को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना हमारे पृथ्वी पे जो CO2 है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है, उससे क्या हो रहा है गर्मी उत्पन्न हो रहा है ठीक है। जब गर्मी उत्पन्न होता है ना तो उसको कम करने का प्रयास करता है कौन, वन संसाधन ठीक है। मान लीजिए हम लोग है ठीक है, तो हम मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नहीं, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ठीक है। तो क्या मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नहीं लेगा ना, ऑक्सीजन लेगा ठीक है। ऑक्सीजन इसलिए जो ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है उसको परिवर्तित करता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, कौन करता है, वन संसाधन ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या नेसेसरी है ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको बताया गया है कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज्यादा भूभाग पर जंगल है ठीक है। कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें ठीक है, तो वहां पे 33% से ज्यादा भूभाग में क्या है जंगल उपलब्ध है, क्या है, जंगल उपलब्ध है ठीक है। और एक चीज यहाँ पे निकला था अधिनियम ठीक है, देखिए बताया गया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के तहत जो है ना उसके अनुसार से जो है जिन राज्यों में 33% से ज्यादा जंगल है उनमें जो है ना पहला स्थान पर कौन है, मिजोरम है। पहला स्थान पे कौन है, मिजोरम, मतलब सबसे ज्यादा जंगलों कहाँ पे है, जंगल कहाँ पे, मिजोरम में, कहाँ है, मिजोरम में ठीक है। ये बताया गया था इस पे ठीक। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट बताया गया दोस्तों कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में वन है, मतलब ये बताया गया कि हम लोग भाग्यशाली हैं ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे देश में क्या है, वन है ठीक है। वन मतलब जंगल है ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए लकड़ी, ईंधन, चारा, फल तथा ऑक्सीजन प्रदान करती है। जो हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या प्रदान करती है दोस्तों, लकड़ी प्रदान करती है, ईंधन प्रदान करती है ठीक है, उसके साथ साथ चारा और फल भी जो है ना, फल के साथ साथ ऑक्सीजन जो हमारे नेसेसरी होता है वो हम लोगों को प्रदान करती है, कौन, वन। वन के सहारे से हम लोग ये सब चीज प्रदान कर पाते हैं। तो मतलब इसका मतलब जान लीजिए कि वन जो है हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। देखिए यहां तक आपको दूसरा पॉइंट भी आपको डिटेल से बता दिया गया ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि मेजर इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो कल होने वाला है, 8 अगस्त को होने वाला है ठीक है, सॉरी 8 सितंबर को होने वाला है ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन जो है ना नेसेसरी क्वेश्चन है ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना मेजर इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया गया था, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी आपको करवा दिया गया ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे संसाधन की तरफ ठीक है, जो आपका क्या था, जल संसाधन। तो हम लोग जानते हैं कि जल संसाधन क्या है ठीक है, और कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका था, तीसरा आपका जो संसाधन था ठीक है वो जल संसाधन था, क्या था, जल संसाधन था, जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था ठीक है कि भारत के जल संसाधन के बारे में व्याख्या करें ठीक है। अब वहां पे जो जल संसाधन है इसमें बताएगा कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जन संसाधन है ठीक है। भारत की बात करें तो भारत क्या है, भाग्यशाली देश है, क्योंकि उसके पास क्या है, विशाल मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है ठीक है, कहां पे, भारत में। और ये न्यूज कभी सुनते ही होंगे कि पानी के क्षेत्र में जो है ना कभी पाकिस्तान और भारत से दंगा होगा हो जाता है ठीक है, क्योंकि इधर ही से जो है भारत के क्षेत्र से ही पाकिस्तान को पानी मिलता था ठीक है। तो इसी कारण जो है ना कभी कभी भारत और पाकिस्तान में झड़प भी हो जाते हैं ठीक है। यहां बताया गया है कि भारत में नदियां धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। अगर भारत में नदियों की बात करें ठीक है, धरातलीय स्रोत की बात करें, जल की बात करें, तो वहां पे सबसे प्रमुख में कौन आता है, नदियां आती है ठीक है। नदियों के कारण यहाँ पे जल बहुमूल्य मात्रा में उपलब्ध है, बहुत आयात मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे ठीक है। जिसमें से कौन सा आपका सिंधु हो गया, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सब जो है ना कुल ये सब क्या है, धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती है ठीक है। ये धरातलीय जल को जो ना बना करके रखती है ठीक है, मतलब कहीं जाने नहीं देती है, कौन सा, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र ठीक है। ये जल को जो ना समेट करके रखती है, अपने आप में समेट करके ये रखती है ठीक है। इसके आगे बताया गया है कि प्राकृतिक जल संसाधनों में दुनिया भर में पानी एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है ठीक है। प्राकृतिक जल संसाधन में अगर दुनिया भर में बात करें तो पानी की जो समस्या है ठीक है, एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, धीरे धीरे अभी तो पानी का एहसास नहीं हो रहा है लोगों को, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को जो है ना पानी का कमी महसूस हो रहा है ठीक है। अभी अगर आप कहीं रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं ना, तो वहां पर मीठा जल के लिए, पीने का पानी के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है ना। यहां बताया गया है कि जो अलग अलग अवस्थाओं में वाष्प, तरल, ठोस में यहाँ मौजूद है ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर जल की बात करें, तो जल जो है ना हमारे भारत में नहीं, हमारे पूरा विश्व में ठीक है, हमारे
अर्थव्यवस्था में जो है ना तीनों रूप में उपलब्ध है, वाष्प के रूप में भी, तरल के रूप में भी और ठोस के रूप में भी यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बर्फ के रूप में है, तो बर्फ के रूप में तो ये है। ठीक है, अब देखिए आसमान से वर्षा होता है तो वो वाष्प के रूप में था, अब यहाँ पे जब सूख जाता है, जब धूप आता है तो वाष्प के रूप में उड़ के चला जाता है ना, और तरल रूप में तो पानी है ये है। तो ये आपका हो गया जल संसाधन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डिटेल से बता दिया गया जल संसाधन के बारे में भी, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को डिटेल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, अपनी राय दें कि हाँ ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।